नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें सबसे अहम रेलवे है। इस समझौते के तहत अब दिल्ली से सीधा काठमांडू तक एक नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, यानी आज से भारत और नेपाल के बीच दोस्ती की नई रेल की शुरुआत हुई है। भारत और नेपाल की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन अब इस दोस्ती को और मजबूती देगी दिल्ली से सीधा काठमांडू तक शुरू होने वाली नई रेल सेवा, जिसके समझौते पर आज नेपाल और भारत के पीएम ने हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें रेलवे, रक्षा सौदे समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल सदियों से भाई भाई रहे हैं, अब ये नई रेल सेवा दोस्ती को और मजबूती देगी। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा की जब बात होती है तो नेपाल और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं और दोनों देश इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि ओपन बॉर्डर का दुरुपयोग होने से रोका जाए। वहीं नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा कि नेपाल भारत के साथ अपने रिश्तों को खासी अहमियत देता है। ओली ने इस दौरान पीएम मोदी को नेपाल आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम जरूर आएंगे। आपको बता दें कि फरवरी में सत्ता में वापस आने के बाद केपी ओली पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। उनकी पत्नी राधिका शाक्य और 54 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचा था। ओली की भारत यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।